हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। इफ टू और मोर डोसेज फॉर्म्स ऑफ सेम ड्रग कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटीज ऑफ द ड्रग, दे आर थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट, क्लिनिकल इक्विवेलेंट, नन ऑफ दीज। If two or more doses form of same drug contain same labeled quantities of the drug, they are, तो क्या बोलते हैं इन्हें? तो इन्हें बोलते हैं केमिकल इक्विवेलेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। केमिकल इक्विवेलेंट होते हैं if two or more doses form of same drug contain same labeled quantities of the drug। ठीक है, next question। The anatomical physiological specialization hospital is लेप्रसी हॉस्पिटल, टीबी हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल और मेंटल हॉस्पिटल। द एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल, तो ये होता है आई हॉस्पिटल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई हॉस्पिटल आता है द एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सब्सटेंस जनरली यूज फॉर मेजरिंग रेनल प्लाज्मा फ्लो इज इथाइल अल्कोहल, इनुलिन, पैरामाइनो हाइपुरिक एसिड और ग्लूकोज। ए सब्सटेंस जनरली यूज फॉर मेजरिंग रेनल प्लाज्मा फ्लो, तो इनमें से कौन से सब्सटेंस का यूज करते हैं फॉर मेजरिंग रेनल प्लाज्मा फ्लो? तो रेनल प्लाज्मा फ्लो मेजर करते हैं बाय यूजिंग इनुलिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इनुलिन इज जनरली यूज फॉर मेजरिंग रेनल प्लाज्मा फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द फॉलोइंग एजेंट्स इज नॉट एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली। थियोपेंटल सोडियम, हेलोथेन, केटामाइन, मिथोहेक्सेटल सोडियम। इनमें से कौन सा एजेंट इज नॉट एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली? इनमें से किसे इंट्रावेनसली नहीं दिया जाता? तो हेलोथेन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हेलोथेन आता है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक्स में। यह होता है वोलेटाइल लिक्विड। हेलोथेन होता है वोलेटाइल लिक्विड। बाकी ये थियोपेंटल सोडियम, केटामाइन एंड मिथोहेक्सेटल सोडियम ये आते हैं आईवी जनरल एनास्थेटिक्स में। ठीक है, ये हेलोथेन के ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हेलोथेन होता है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक। ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनास्थेटिक होता है हेलोथेन। देन जनरल एनास्थेटिक हैविंग द मोस्ट मार्क यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन, ये भी होता है हेलोथेन। देन हेलोथेन हैज सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी एंड हेलोथेन इनिबिट्स यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड इसलिए इसे यूज करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। इट हैज वीक एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो। ठीक है, देन विच जनरल एनास्थेटिक हैज द स्मूथ इंडक्शन? तो ये भी होता है हेलोथेन। हेलोथेन हैज स्मूथ इंडक्शन। ठीक है, ये अभी तक के हेलोथेन के ऊपर पूछे गए सभी क्वेश्चन है। देन ये केटामाइन प्रोड्यूस करता है डिसोसिएटिव एनास्थेशिया। डिसोसिएटिव एनास्थेशिया प्रोड्यूस करता है केटामाइन एंड केटामाइन ऑल्सो प्रोड्यूसेस हेलुसिनेशंस। कौन सा एनास्थेटिक हेलुसिनेशंस प्रोड्यूस करता है? तो ये होता है केटामाइन। केटामाइन का यूज करते हैं इन बर्न ड्रेसिंग एज एन एनास्थेटिक एंड इसे यूज करते हैं इन अस्थमा पेशेंट। अस्थमा पेशेंट्स के शॉर्ट ऑपरेशंस में भी केटामाइन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल एंटीडोट? एग, फैट्स एंड ऑयल्स, चारकोल, EDTA। इनमें से कौन सा मैकेनिकल एंटीडोट नहीं है? नॉट मैकेनिकल एंटीडोट, तो ये होता है EDTA। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। EDTA इज नॉट मैकेनिकल एंटीडोट। मैकेनिकल एंटीडोट्स होते हैं चारकोल, देन कैओलिन, ये सभी होते हैं मैकेनिकल एंटीडोट। EDTA इज नॉट मैकेनिकल एंटीडोट। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू प्रोड्यूस इट्स कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन ए ड्रग मस्ट ऑलवेज रीच हाई ब्लड लेवल्स, बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अचीव एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन एट इट्स साइट, बी एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन। टू प्रोड्यूस इट्स कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन ए ड्रग मस्ट ऑलवेज, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, अचीव एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन एट इट्स साइट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। टू प्रोड्यूस इट्स कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन ए ड्रग मस्ट ऑलवेज अचीव एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन एट इट्स साइट, अचीव एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन एट इट्स साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइजोक्साइड इज एडमिनिस्टर्ड ओरली, इंट्रामस्कुलरली, बाय आईवी इन्फ्यूजन, बाय रैपिड आईवी इंजेक्शन। तो कैसे एडमिनिस्टर्ड किया जाता है डाइजोक्साइड को? तो डाइजोक्साइड को देते हैं बाय रैपिड आईवी इंजेक्शन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
Diazoxide is administered by rapid IV injection. Next question. The advice given to the patient taking diazepam. Urine color may change, drug may cause drowsiness, constipation may occur, do not take on empty stomach. तो क्या एडवाइस देंगे आप टू द पेशेंट टेकिंग डाइजेपैम? तो डाइजेपैम आता है बेंजोडाइजेपाइंस में और ये कॉज कराता है ड्रॉजीनेस. तो एडवाइस गिवन टू द पेशेंट टेकिंग डाइजेपैम इज ड्रग मे कॉज ड्रॉजीनेस. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. और डाइजेपैम का डेली डोज होता है 5 to 30 mg इन एडल्ट. लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है डेली डोज ऑफ डाइजेपैम इन एडल्ट 5 to 30 mg. और ये डाइजेपैम होता है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर स्टॉपिंग जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक स्टेटस एपिलेप्टिकस इन एडल्ट्स. ड्रग ऑफ चॉइस इन टॉनिक क्लोनिक स्टेटस एपिलेप्टिकस इज डाइजेपैम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ट्यूबरकुलिन सिरिंज इज 2 ml, 3 ml, 4 ml और 1 ml. तो कितना होता है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ट्यूबरकुलिन सिरिंज? तो ये होता है 1 ml. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ट्यूबरकुलिन सिरिंज इज 1 ml. नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्सेप्स यूजफुल टू होल्ड द अपेंडिक्स इज लेंस टिश्यू फोर्सेप, बैबकॉक्स टिश्यू फोर्सेप, एलिस टिश्यू फोर्सेप और नन. तो कौन से फोर्सेप्स का यूज करते हैं टू होल्ड द अपेंडिक्स? तो इसमें यूज करते हैं बैबकॉक्स टिश्यू फोर्सेप्स का. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. फोर्सेप्स यूजफुल टू होल्ड अपेंडिक्स इज बैबकॉक्स टिश्यू फोर्सेप. नेक्स्ट क्वेश्चन. The chairman of PTC is pharmacist, physician, head nurse, head pharmacist. तो कौन होता है chairman of PTC, pharmacy and therapeutic committee? तो ये होता है physician. Option B हो जाएगा आपका correct answer. PTC का chairman होता है physician. And अभी आप मुझे बताएंगे secretary of PTC. कौन होता है secretary of PTC, pharmacy and therapeutic committee? तो ये होता है chief pharmacist. Head pharmacist, chief pharmacist होता है secretary of PTC, Pharmacy and Therapeutic Committee. Next question. Patient able to walk around is called emergency outpatient, outpatient, ambulatory patient or referred outpatients. क्या होता है patients able to walk around? क्या बोलते हैं इन्हें? तो ये होते हैं ambulatory patients. Option C will be your correct answer. Patient able to walk around is called ambulatory patient. Next question. PTC should meet how many times in an year? 8 times, 6 times, 4 times or only 1 time? Pharmacy and Therapeutic Committee should meet how many times in an year? तो PTC के कितने meetings होने चाहिए in an year? तो ये होते 6 times. Option B will be your correct answer. PTC should meet 6 times in an year. Option B will be your correct answer. And PTC का chairman होता है physician and इसका secretary होता है chief pharmacist. Next question. The minimum area required to run a drug store is 10 square meter, 15 square meter, 17 square meter, 25 square meter. कितना minimum area required होता है to run a drug store? तो ये होता है 10 square meter. Option A हो जाएगा आपका correct answer. Minimum area required to run a drug store is 10 square meter. And wholesale के लिए minimum area requirement होता है 15 square meter. ठीक है? Next question. Pure antagonist of morphine used in its poisoning is apomorphine, pentazocine, naloxone, bemegride. Pure antagonist of morphine used in its poisoning. तो कौन सा antagonist use करते हैं in morphine poisoning? तो morphine poisoning में use करते हैं naloxone का. Option C हो जाएगा आपका correct answer. Naloxone होता है pure antagonist of morphine used in its poisoning. Next question. Line service in hospital is casualty service, intensive care, OPD, all of the above. Line service in hospital is. तो क्या होता है line service in hospital? तो ये होता है OPD. Option C will be your correct answer. Line service in hospital is OPD. Next question. Information source about drug information center may include medicinal journal, online computer information source, reference books, all of the above. Information source about drug information center may include. And the correct answer of this question is option D, all of the above. Information source about drug information center may include medicinal journal, online computer information source and reference books. Option D हो जाएगा आपका correct answer. Next question.
PTC plays important role in Pharmacy and Therapeutic Committee plays important role in drug safety, ADR monitoring, emergency drug list, all of the above. तो क्या होता है इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी? तो पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रग सेफ्टी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग एंड इमरजेंसी ड्रग लिस्ट ऑल्सो. सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट प्रेजेंट इन पीएससी इज 1, 2, 3 और नन. नंबर ऑफ फार्मासिस्ट प्रेजेंट इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो कितने फार्मासिस्ट प्रेजेंट होते हैं इन पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर? तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पीएससी में प्रेजेंट होता है एक फार्मासिस्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई टेक्नोलॉजी मेडिकल डेवलपमेंट एग्जिस्ट इन बजट हॉस्पिटल्स, इलाइट हॉस्पिटल्स, मीडियम हॉस्पिटल्स और कैंसर हॉस्पिटल्स. हाई टेक्नोलॉजी मेडिकल डेवलपमेंट एग्जिस्ट इन, तो इनमें से कौन से हॉस्पिटल में होता है हाई टेक्नोलॉजी मेडिकल डेवलपमेंट? तो ये होता है इलाइट हॉस्पिटल्स में, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. हाई टेक्नोलॉजी मेडिकल डेवलपमेंट एग्जिस्ट इन इलाइट हॉस्पिटल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हेल्थ विजिटर, फार्मासिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, ब्लॉक एक्सटेंशन एडुकेटर. द प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएससी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, तो किसके कंट्रोल में होता है पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर? तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसिलिंग सेशन? प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन, ओपनिंग ऑफ द सेशन, काउंसिलिंग कंटेंट, क्लोजिंग ऑफ द सेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसिलिंग सेशन? तो इनमें से क्या होता है हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसिलिंग सेशन? तो ये होता है काउंसिलिंग कंटेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. काउंसिलिंग कंटेंट होता है हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसिलिंग सेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग? हाइपरटेंशन, डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन, डायूरेसिस, नन ऑफ दीज. इनमें से कौन सा है साइन ऑफ बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग? तो बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग कॉज कराता है डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज द साइन ऑफ बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैंडेज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एज वुंड ड्रेसिंग एप्लीकेशन इज? हाई बल्क बैंडेज, ब्लड वेसल्स, टिश्यूज और नन. ए बैंडेज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एज वुंड ड्रेसिंग एप्लीकेशन, तो यह होता है हाई बल्क बैंडेज, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ए बैंडेज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एज वुंड ड्रेसिंग एप्लीकेशन इज हाई बल्क बैंडेज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एडमिट इन द वार्ड फॉर ट्रीटमेंट, रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी, रिक्वायर्ड इमरजेंसी ट्रीटमेंट, नन ऑफ द अबव. एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर, तो किन्हें बोलते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स? तो एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.